हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बायो। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर बैटिंग इन टेनिस क्रिकेट। टेनिस क्रिकेट जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा खेला जाता है। इंडिया की हर गली में बच्चे टेनिस बॉल से खेलते हैं और अभी तो टूर्नामेंट का सीज़न चल रहा है, हर जगह टेनिस क्रिकेट के टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा यही सही टाइम है टेनिस क्रिकेट पर वीडियो बनाने का। तो अगर आप एक बैट्समैन हो और अगर आप टेनिस क्रिकेट खेलते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत सारे बैटिंग के स्किल्स शेयर करूंगा, बैटिंग के टिप्स शेयर करूंगा, जिससे आपकी बैटिंग स्किल्स में आपको खुद को इम्प्रूवमेंट फील होगा अगर आपने ये टिप्स को फॉलो किया। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप है हमारी ग्रिप। अगर आपको एक अच्छा बैट्समैन बनना है तो सबसे पहले आपको एक कॉमन चीज़ पता होनी चाहिए, वो है ग्रिप। क्योंकि बैटिंग में ग्रिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने बैट को सही तरीके से पकड़ा है तो आपका जो कंट्रोल है वो शॉट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कॉमन और एक पॉपुलर ग्रिप के बारे में बताऊँगा। मोस्ट ऑफ द बैट्समैन इसी ग्रिप से बैट को ग्रिप करते हैं और इस ग्रिप को इसलिए वो यूज़ करते हैं क्योंकि इस ग्रिप के साथ वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली बैटिंग करते हैं। इस ग्रिप का नाम है वी ग्रिप। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको ये इस ग्रिप से बैट को पकड़ना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैट को ग्राउंड पर रख देना है, ठीक है। ग्राउंड पर रखने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथों से वी फॉर्मेशन मारना है, बिल्कुल ऐसे। ये देख सकते हो आप मेरे हाथों का वी फॉर्मेशन, दोनों हाथों से ऐसे वी फॉर्मेशन मारना है। और अब आपको बैट को ग्रिप करना है ऐसे, बिल्कुल ऐसे आपको बैट को ग्रिप करना है। और बैट को ग्रिप करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपके दोनों हाथों से जो आपने ग्रिप वी बनाया है वो दोनों एक लाइन में हो, वो एक दोनों एक लाइन में होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हो। अब इसके बाद आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने बैट को मिडल ऑफ द हैंडल से पकड़ा है। ज़्यादा नीचे भी ना पकड़ो और ज़्यादा ऊपर भी ना पकड़ो, एकदम मिडल ऑफ द हैंडल से बैट को ग्रिप करो। और इसके बाद आपको एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके दोनों हाथों के बीच में दो फिंगर्स का गैप तो होना ही चाहिए, इतना गैप तो आपके दोनों हाथों के बीच में होना ही चाहिए। एकदम चिपका के आपको बैट को नहीं पकड़ना है और अपने बॉटम हैंड को रिलैक्स करके ज़्यादा टाइट भी मत रखिए। तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए। टेनिस क्रिकेट में हर एक बैट्समैन एक कॉमन मिस्टेक ज़रूर करता है। बैटिंग करते वक्त वो गलती ये करता है कि वो हर बॉल को एक ही जगह पर खड़े रहकर खेलने की कोशिश करता है, अपना फुटवर्क बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। अब अगर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ वाली बॉल को भी सेम जगह पर खड़े रहकर खेलने की कोशिश करोगे और फुल लेंथ वाली बॉल को भी सेम जगह इसी जगह पर खड़े रहकर खेलने की कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि आप अपना फुटवर्क बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हो। अब अगर आपके पैरों में मूवमेंट होगा तो बॉलर भी कन्फ्यूज़ होगा कि आपको बॉल कहाँ डाले। अगर आपके पैरों में मूवमेंट नहीं होगा, एक ही जगह पर अगर आप खड़े रहोगे तो बॉलर सीधा बॉल आपके पैरों पे मारेगा। इसीलिए ये आपको क्या करना है, ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको बॉलर के हाथ से बॉल रिलीज होने से पहले ही आपको अपने पैरों में मूवमेंट रखना है ऐसे। आपके पैरों में ऐसे हलचल होनी चाहिए ताकि बॉलर कन्फ्यूज़ हो, वो आपके पैरों को टारगेट ना कर सके। जब आप ऐसा मूवमेंट रखोगे पैरों में तो वो डिस्टर्ब होगा बार बार, और जब वो बार बार डिस्टर्ब होगा तब उसकी लाइन और लेंथ बिगड़ेगी, और जब उसकी लाइन और लेंथ बिगड़ेगी तब आपको क्या करना है, आपको अपना अटैकिंग गेम ऑन कर लेना है और उस पर हावी हो जाना है और फिर आपको रन्स स्कोर करने। तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके आपको इन टिप्स से कितना फ़ायदा मिलता है। तो तीसरी टिप है हमारी बैट स्विंग। बैट स्विंग क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ख़ासकर टेनिस क्रिकेट में, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में जितना फास्ट और जितना तेज़ आपका बैट घूमेगा उतनी ही दूर आपकी बॉल जाएगी। क्योंकि टेनिस बॉल काफ़ी हल्की होती है वेट में और उसका वेट भी काफ़ी कम होता है, इसलिए टेनिस क्रिकेट में आप सिर्फ टाइमिंग के भरोसे नहीं रह सकते हो। टेनिस क्रिकेट में आपको टाइमिंग के साथ साथ पावर का भी यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप एक बैट्समैन हो और अगर आप टेनिस क्रिकेट खेलते हो तो आपको अपनी बैट स्विंग को इम्प्रूव करना है। और अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो मैंने इस टॉपिक पे पहले से ही ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आई बटन पे उसका लिंक है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी सारे ड्रिल्स भी शेयर किए जिससे आपकी बैट स्विंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा हैवी बैट ना यूज़ करो। अगर आप टेनिस क्रिकेट खेल रहे हो तो ज़्यादा हैवी बैट यूज़ ना करो, क्योंकि हैवी बैट में क्या होता है, हैवी बैट को उठाते वक्त आपको ताकत उसमें काफ़ी ज़्यादा लग जाती है हैवी बैट को उठाने में, इसीलिए नॉर्मल बैट यूज़ करिए। नॉर्मल बैट में ताकत भी कम लगेगी और आप नॉर्मल बैट को ईजिली घुमा सकते हो, फास्ट घुमा सकते हो। अपना बैट का वेट आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लीजिए ताकि उसको
उठाने में लिफ्ट करने में ज़्यादा आपकी ताकत यूज़ ना हो। इसीलिए बैट खरीदते वक्त बैट का वेट ज़रूर चेक कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपके कमेंट का रिवर्ट करके मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगा। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको आने वाले वीडियोज़ कौन सी टॉपिक पे चाहिए। और हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, ये हमारा यूज़र नेम cricketbio1। और हमें यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।